नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला, आज मैं आप सभी के लिए जो लेखपाल की विज्ञप्ति निकल गई है और उसकी तैयारी तैयारी की तो बात बाद में आती है, लेकिन उससे पहले जब आपकी फॉर्म फिलिंग चल रही होती है तो बहुत सारे बच्चों जो इनका दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर मैं शॉर्टलिस्ट हूँगा कि नहीं हूँगा। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि आयोग और शासन दोनों मिलकर कहीं ना कहीं एक चालाकी गेम खेल रहे हैं। राजनीतिक कारण भी है उसका बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे क्लियर करनी है, जो मुझे समझ में आती हैं, जो मैं एनालिसिस करता हूँ या कहीं अंदर से कोई बात पता चलती है उसके संदर्भ में मैं आपके सामने आया हूँ। और अगर मैं अगर आपके सामने आया हूँ इस पॉइंट पे, तो थोड़ा सा आप ट्रस्ट कर सकते हो, ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ टीम परीक्षा प्लस आपके सामने तभी लाती है जब उसको कहीं ना कहीं बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन होती है। तब ये बात आप पहले भी देख चुके हो और अभी आगे भी देखोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं लेखपाल को लेके, जिसके संदर्भ में मैं यहाँ पे हूँ। सबसे बड़ी बात, अभी मुझे कुछ बात पता चली और उसके बाद में मैंने दोबारा से एक बार जो विज्ञप्ति है उसे बहुत अच्छे से देखा। पेज नंबर 10 पे, मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया था, पेज नंबर 10 पे जब आप विज्ञप्ति का देखोगे, पॉइंट नंबर 11, उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, और ये नोट कहीं ना कहीं एक हमें इशारा करती है कि आखिर जो शॉर्टलिस्ट होने वाले बच्चे हैं वो क्या पीटी का सेफ स्कोर, वो क्या कट ऑफ होगा जिसके लिए जो मुख्य परीक्षा लेखपाल की हो रही है उसमें उन्हें बैठने का मौका मिल जाए। देखिए, फॉर्म तो सारे लोग भर रहे हो 25 रुपये दे के, और इसमें करोड़ों कमा भी रहे हैं। अगर देखा जाए 16 लाख बच्चे हैं, 25-25 रुपये दे रहे हैं तो 4 करोड़ सीधा बन गया, तो करोड़ों रुपए तो आयोग को जा रहा है, जिससे आयोग के सारे कर्मचारियों की कईयों महीने की सैलरी निकल जाएगी, ये सभी पता है। लेकिन वो अंदर की बात है, उसे हम जिक्र नहीं करेंगे। हम जिक्र करेंगे जो हमारे मतलब की बात है, क्या है। इसने एक पॉइंट लिखा कि यदि विज्ञप्त पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पीईटी के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो वो कई शिफ्ट में कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन कराएंगे। नीचे का मतलब है से मतलब नहीं है, नॉर्मलाइजेशन से मतलब नहीं है, मतलब हमें केवल इन लाइनों से है जिसे मैंने सर्कल किया हूं। क्या है, पहली बात बोल रहा है कि स्कोर के आधार पर, तो कहीं ना कहीं आयोग और शासन, एक बात समझिएगा कि जो अधीनस्थ आयोग है या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है या ऐसे जो बोर्ड होते हैं उन पर शासन का रोल बहुत ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट यह है, आपने देखा कि लेखपाल की भर्ती जब आपका आचार संहिता लगना था उसके जस्ट एक या दो दिन पहले रिलीज कर दी गई। सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पक्का नहीं था कि क्या कहना है क्या नहीं करना है, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई इसे निकाल दो ताकि राजनीतिक लाभ मिल जाए, ये मिल जाए कि इस सरकार ने कहीं ना कहीं लेखपाल का वो नोटिफिकेशन निकाल दिया और चालाकी वहां पे कर गए कि अभी हम इतना क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो सबसे एक काम करो, जितने लोग पीटी दिए हैं सबसे फॉर्म भरवा लो, उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है 25 रुपए उनसे चार्ज कर लो। अंदर की बात ये थी जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात अगर इसे आप पढ़ो तो बोल रहा है कि पीटी के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण, एक बार आप पुनः विचार करो कि क्या आयोग को नहीं पता है कि उसे कितना गुना बच्चे चाहिए। आपने देखा होगा कि जो अध्यक्ष महोदय थे, सुना भी होगा कि उन्होंने बोला कि लगभग 15 गुना 20 गुना बुलाए जाएंगे, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे बैठाए जाएंगे लेखपाल की परीक्षा में, लेकिन वो भी खबर खबर रह गई, कुछ भी उसके बारे में उन्हें रोक दिया गया कि आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना कर सकते हो, आप बातें कैसे कर सकते हो कि पब्लिक में आके आप ऐसा बोल दिए जिसके बारे में क्लियर नहीं है। उनको बाद में उसका आंसरेबल भी होना पड़ा, जो आपको समझना चाहिए। अब यहां पे ये बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है कि आयोग को भी ये नहीं पता है कि आखिर ये लड़कों की संख्या कितनी हो सकती है, ये बात समझिएगा। और दूसरा शब्द बोल रहा है स्कोर, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बोला था कि परसेंटाइल पे, तो एक बात समझिएगा, 99% चांस है कि परसेंटाइल बेसिस पे ना लिया जाए शॉर्टलिस्ट, परसेंटाइल बेसिस पे शॉर्टलिस्ट ना किया जाए, 99% चांस है, वो भी केवल और केवल लेखपाल परीक्षा में, है ना। किस पे किया जाएगा, स्कोर के बेसिस पे किया जाएगा। आप बोलोगे सर परसेंटाइल और स्कोर पे फर्क क्या पड़ेगा, जब परसेंटाइल की बात करते हैं तब उनके दिमाग में क्या होता है, कितने गुना, और जब स्कोर की बात करते हैं तो उनके दिमाग में कितने गुना का फिगर नहीं होता, ये देखते हैं कि हम इतना अगर मार्क्स के ऊपर बच्चों को बुला रहे हैं तो उसमें कितने भी बच्चे हो सकते हैं, जो अभी आइडिया नहीं है, जो पूरी की पूरी लिस्टिंग निकाल के एक बार जब डेटा बनेगा तब हमें समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है,
तो उन्होंने स्कोर पे बोला, तो इससे मतलब ये हो रहा है कि एक वो मिनिमम स्कोर डिसाइड करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अब यहाँ पे अगर शासन को और आयोग को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संख्या में बुलाना होता तो वो पहले ही क्लियर कर देती, फिर वो ये ना कहती कि शॉर्टलिस्ट बाद में किए जाएंगे बच्चों को, क्योंकि वो क्लियर नहीं कर पा रहे, इसलिए आनंद फानंद में इन्होंने विज्ञप्ति तो निकाल दी, और किस तरीके से निकाली वो आपके सामने है। अभी शासन को या आयोग को ये पता ही नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं ये प्रयास करेंगे। अच्छा, ना करने का भी कारण ये है कि हो सकता है उनके फॉर्मूले में उनको राजनीतिक हानि भी हो सकती थी। कैसे? अगर बच्चे कम रहते तो कहीं ना कहीं ये हो जाता कि भैया आपने तो बहुत गंदा खेल खेल लिया, और बच्चे उनसे गुस्सा हो जाते। तो अभी क्योंकि चुनाव था, इस कारण से उनको जो समझ में आया वो कर दिया। लेकिन अगर स्कोर के आधार पे करेंगे तो जो मेरा अनुमान है वो लगभग 60 से 62 स्कोर करने वाले में, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, 60 से 62 64 पे करीबन जो आपका स्कोर बनेगा वो 85% के ऊपर बनेगा। लेकिन मैं 60 लेके चल रहा हूँ, ये आपका करीबन 80% के ऊपर बनेगा। तो परसेंटाइल में समझ लो कि जिन बच्चों का 80% आ रहा है, मैं इसे एकदम अलग से चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, फिर से सुन लो कि जिन बच्चों के 80% स्कोर आ रहे हैं, 80% बोल लो, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर 60 के अबव, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, स्कोर आ रहा है, वो क्या, वो जो है वो 110% क्या करेंगे, लेखपाल की परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि इससे कम परसेंटाइल वाले या इससे कम स्कोर वाले क्या करें, अभी ये कंफर्म नहीं है। ये जो मेरी एनालिसिस है और जो उड़ती हुई खबरें आती हैं उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, और मैं सही भी कोई 100% नहीं है कि मैं इतना बोल रहा हूँ वो हो ही जाए, ये बात आप भी समझते हो, मैं आयोग नहीं हूँ ना ही उनके दिमाग में बैठा हूँ। जो एक चांस हो सकता है वो मैं आपके सामने बहुत ही जेन्युइनली, बहुत ही कैंडिडली वे में आपके सामने लेके आया हूँ। तो अगर किसी बच्चे, लेकिन इतनी गारंटी है कि 80% के ऊपर सारे बच्चे जो होंगे वो कहीं ना कहीं लेखपाल की परीक्षा में बैठेंगे। अब दूसरी बात आती है कि इनके नीचे जो बच्चे हैं, इससे नीचे हैं, 60 की स्कोर वाले, 55, 57, 58 जिनके स्कोर आ रहे हैं, जिनकी 75, 77, 78% बन रही है, उनका क्या किया जाए? तो मैं इतना कर सकता हूं आपके लिए कि देखो, पहली बात तो निराशा नहीं आने देना है। आपके पास यदि कोई दूसरा विकल्प हो तब तो समझ में आता है, जब अगर दूसरा विकल्प नहीं है तो अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो चांसेस है कि अगर स्कोर जो हो सकता है, भाई ये स्कोर 55 कर दे या स्कोर 50 कर दे, स्कोर की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल की नहीं कर रहा हूँ, फिर तो पता लगे कि यहाँ पे 70% वाले भी यहाँ पे हो जाएंगे, और फिर अगर 70% वाले हो गए, 50 से 55 स्कोर वाले हो गए, तो आपने तो तैयारी ही नहीं की, और बाद में आपको क्या रह जाएगा, आप अपनी आज की गलती से बाद में आपको बाहर हो ही जाना है। तो इसलिए टीम परीक्षा प्लस आपके लिए, देखो एक तो आपका जो कोर्स है वो तो चल ही रहा है, अगर आप कोर्स से जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो वो बात अलग है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। मैं इतनी बात कर रहा हूं कि जो उनके भी 80% के नीचे आ रहे हैं वो अपनी तैयारी पे विराम मत लगाओ, आप अपनी तैयारी जारी रखो। टीम आपके लिए इतनी मदद कर सकती है कि जो 10 टेस्ट हमने पेड में रखा था, 10 टेस्ट जो हमने पेड ग्रुप में रखा था, पेड बैच में रखा था, उसको सभी के लिए निशुल्क कर दिया जा रहा है, फ्री कर दिया जा रहा है। यही नहीं, हम ये तो आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं कि पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए फ्री कर दें, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, है ना, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आपको निशुल्क ऐसे बहुत सारे वीडियो, वो भी क्रम में, प्रत्येक विषय के, वो चाहे गणित हो, वो चाहे आपका ग्रामीण परिवेश हो, वो चाहे आपका ग्राम्य समाज एवं विकास वाला सब्जेक्ट है, या हिंदी हो या जीएस हो, सभी का एक प्लेलिस्ट बना के छोटी छोटी वीडियो 10-10, 15-15 मिनट की, जो क्रक्स हो सकती है, क्रोनोलॉजी हो सकती है, जो एकदम आप बोल सकते हो केवल उतना मात्र पढ़ लोगे तो 60 से 70% आपका स्कोर कोई रोक नहीं सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं सॉलिड, वो आपके लिए कर सकती है। तो आपकी फ्री क्लासेस और यहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट, जो 10 फुल लेंथ टेस्ट है इसकी टेस्ट सीरीज, ये आपको निशुल्क उपलब्ध कराती रहेगी। ये सभी बच्चों के लिए समान रूप से लाभदायक भी होंगे, और आप लोग अगर वो आपको की स्थिति में है तो मैं इतना बोलूंगा कि भैया अपनी तैयारी पर विराम मत लगाओ, टीम आपके लिए इतना कर रही है, उसके साथ जुड़ के और अपनी तैयारी चालू रखो। हम लोग फिर मिलते रहेंगे तमाम सारी चीज़ों पे, पेड कोर्स जो चल रहा है, जो बच्चे जुड़ गए हैं उनकी ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं अभी भी जुड़ सकते हैं, 50% चल रहा है, बाकी सारी जानकारी हम यहाँ पे आपको देते रहेंगे, लेखपाल से संबंधित, अन्य परीक्षाओं से संबंधित। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार पुनः कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारी चीज़ें आपको पता चलते रहें। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।